मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुला। इसराइल मिस्र के बीच भीषण जंग की आशंका है। राफा सीमा पर, राफा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी शुरू हो चुकी है। गोलीबारी में मिस्र के दो सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि मिस्र ने एक सैनिक की मौत की पुष्टि की है, लेकिन ये हालात चिंताजनक हैं क्योंकि पहले ही इसराइल और हमास के बीच में युद्ध और फिर अब इस तरह के हालात जो कि अरब वर्ल्ड को सुलगा सकते हैं। तो देखिए, जंग का एक नया फ्रंट मिडिल ईस्ट में, इसके जरिए हो सकता है विध्वंस। मिस्र की बात की जाए तो राफा बॉर्डर पर गोलीबारी से तनाव बढ़ गया है। इसराइल की बात की जाए तो हमले की आशंका पर पूरा इसराइल इस वक्त अलर्ट मोड पर है। राफा बॉर्डर पर तनाव बढ़ते लगातार हम देख रहे हैं। मिस्र से तेल अवीव पर हमले की भी आशंका बढ़ गई है और राफा में IDF को मुस्तैद रहने के आदेश इसराइल की तरफ से जारी कर दिए गए। मिस्र में इसराइल से बदले की मांग तेज होती नजर आ रही है और इसराइल मिस्र के हर एक्शन पर नजरें गड़ाए हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन पहला सवाल VK दत्ता साहब आपसे, ये मिस्र और इसराइल के बीच जो जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कहां तक जा सकता है? देखिए, ऐसा कि ये सिचुएशन दिन ब दिन और ग्रेव होती चली जा रही है, क्योंकि जो पहले एम लेके चला था इसराइल कि वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करे बिना ये ऑपरेशन को बंद नहीं करेगा, और इन्होंने नॉर्थ से ऑपरेशन चालू किया, जवाला खान यूनस होते होते रफा तक लेके। इन्होंने सोचा कि शायद अभी सारा हमास इस एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गया और इसको यहाँ पे फाइनल असॉल्ट करके हमास को रफा के अंदर तबाह किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जो पीछे एक ऑपरेशन हुआ जवाला में, जहाँ पर कि हमास के लोगों ने अटैक करके इसराइल के दो सैनिक जो मारे गए जबाला में, वो नॉर्थ है, वो बिल्कुल नॉर्थ गाजा है जी। इसका मतलब है कि नॉर्थ गाजा भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है और अभी ये जो रफा क्लियर करने का जो इनका प्लान था इसराइल का, और उसके चलते इन्होंने जो एक जो स्ट्राइक करा वो उधर एक रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हो गया स्ट्राइक, जिसमें 45 सिविलियन मारे गए हैं। और बहुत ही क्रूशियल एरिया है दत्ता सर, जो राफा बॉर्डर है वहां से सामान की सामग्री आर पार होती है, बहुत क्रूशियल है, और यहां पर फायरिंग की घटना और ज्यादा चिंताजनक हालात पैदा करती है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को, जबालिया कैंप में IDF को ऑपरेशन, कैंप में टैंक लेकर घुसी इजरायली सेना, हमास पर IDF का भीषण हमला हुआ है। और अगली बड़ी खबर, राफा में एयर स्ट्राइक का एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है। स्थानीय पत्रकार के कैमरे में कैद हुआ हमला, ये देखिए तस्वीरें। इजरायली हमले की जद में पत्रकार भी आ गया। इसराइल ने राफा में किया था भीषण अटैक और उसी अटैक की तस्वीरें इस पत्रकार के कैमरे में कैद हुई हैं। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने का दावा इसराइल की तरफ से किया गया। राफा सीमा पर गोलीबारी की जांच तेज कर दी गई है। मिस्र की सेना गोलीबारी की जांच में जुटी हुई है। गोलीबारी पर मिस्र की IDF से भी बात हुई है। इसराइल की तरफ से भी जांच शुरू की गई। एयर मार्शल राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आप कैसे देखते हो, क्योंकि राफा बॉर्डर इस वक्त सुलग रहा है और ये जो ताजा घटना हो रही है वो इशारा कर रही है कि मिडिल ईस्ट में और ज्यादा भयंकर युद्ध हो सकता है। इसराइल और मिस्र आपने सामने है। बिल्कुल, तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जब राफा में इजरायली पहली बार गए तो उन्होंने जो टनल्स देखे, 50 टनल वो कह रहे हैं कि मिस्र की तरफ खुल रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि मिस्र को ये पता था कि 50 टनल उनकी तरफ हैं और उस तरफ से कुछ सामग्री, और कोई पता नहीं है क्या होस्टेजेस भी मिस्र की तरफ चले गए हैं। तो ये जो डिस्ट्रस्ट इसराइल और मिस्र के बीच में हो गया है, ये एक नया डायमेंशन है इस वॉर का, क्योंकि पहले जो भी समझा जाता था, इसराइल की तरफ से समझा जाता था कि मिस्र ने राफा बॉर्डर जो है बिल्कुल सील कर दिया है और उनको काफ़ी आश्वासन दिया था कि उन्होंने सारे टनल्स में पानी वगैरह भर दिया है और जो भी है वो किसी को मिस्र की तरफ आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जब देखा गया कि उस तरफ टनल्स वगैरह हैं, तो थोड़ी सी झड़प
जो है बॉर्डर पे इजरायली और मिस्र के बीच में हुई है। बिल्कुल, और ये टेंशन लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा इस पर नजर रखनी जरूरी है।